खबर हलका मुकेरियां अधीन आउंदे पिंड खड़क बल्लड़ा तो है, जिथों की एक व्याहुता की भेत भरे हालातों मौत होने की खबर सामने आई है। इस संबंधी जानकारी देंदे मृतक लड़की तनवीर कौर के मापिया ने दसिया कि उन्हां वल्लों अपनी बेटी तनवीर कौर का विआह 2.5 साल पहला विपन कुमार पुत्र देसराज वासी खड़क बल्लड़ा नाल कीता गया सी। उन्हां सोहरा परिवार से दोष लाउंदिआं कहा कि विआह तो कुछ समा बाद ही उन्हां दी लड़की नूं सोहरा परिवार वल्लों दाज की मंग नूं लैके तंग परेशान करना ते मारकुट करनी शुरू कर दित्ती गई सी। उन्हां दस्सिया कि कुछ समा पहला भी उन्हां दी लड़की दी मारकुट कीती गई सी, जिस तों बाद पंचायत वल्लों उन्हां दा राजीनामा करवा दित्ता गया सी। उन्हां पुलिस प्रशासन तों मंग करदिआं कहा कि सोहरा परिवार विरुद्ध सख्त तों सख्त कार्रवाई करके उन्हां नूं सज़ा दित्ती जावे। मुकेरियां तों हुशियारपुर न्यूज़ दे नाल दिलबाग गुराया दी रिपोर्ट। जी मेरी सिस्टर सी, रियल सिस्टर सी मेरी, जिहदा नाम धनवीर कौर सी, जिहदी विआह होया सी 2018 दे विच विपन कुमार सन ऑफ देसराज पिंड खड़क बल्लड़ा, जिन्हां ने मेरी सिस्टर नूं विआह तो बाद ही 2018 तो विआह तो 2020 तक उन्होंने दहेज के प्रति बहुत तंग किया उन्होंने। तो जदों वह 7 महीने की प्रैगनेंट सी, तो इन्होंने जिहड़े दा सोहरा है उन्हें घर के उन्होंने बाहर कढ़ दिता सी। इस करके कढ़िया सीगा क्योंकि वह कहिंदा सीगा कि असीं इत्थे नहीं रखना, जे इत्थे रहना है तो असीं घर नूं अग ला देनी है। तो की कहते इस तो पहला कोई होर जिदा की कहते पंचायत हुई जी कोई थाने एप्लीकेशन? देखो जी पहला एक दो बार इन्हें कुड़ी के हाथ भी चुकया, ये सोहरे ने कुड़ी की गुत भी पुटी, जिहड़ा सूबेदार देसराज है जिहदा नाम पिंड खलक बल्लड़ा तो हैगा जिहड़ा मुंडे का प्यो, उन्हें कुड़ी की गुत भी पुटी। तो असी फिर भी घरदिआं ने बैठ के आपस में राजीनामा किया, आपस में घरदिआं ने राजीनामा किया, इहदी भूआ आई ते इहदीआं दो भूआ आईआं मुंडे दीआं, ते असी राजीनामा किया। उस तो बाद जदों हुण ज़्यादा ही हद तो बद इन्होंने फिर कुड़ी दे थप्पड़ मारिया मुंडे ने, तो फिर इन्होंने लड़ाई का, मेरे डैडी रात में 11 बजे कुड़ी नूं लैण गए तो मेरे डैडी नूं भी रात नूं इन्होंने धक्के मारे, गालां कढ़ियां। मुंडा जिहड़ा उहदा 1.5 साल का मुंडा हैगा उहदा उहनूं खोहिया, उहदे भी इन्होंने पता नहीं हथ चलाकी कीती मुंडे ते भी खोहण दे जो इन्हों ने खोंदे पे सीगे। तो असीं फिर जदों मुंडा इत्थे लिआंदा तां अगले दिन असीं कार्रवाई की सी हाजीपुर के सरपंच नूं, पंच नूं सारिआं नूं लै के इन्हां दे पिंड दरखास्त भेजी। जदों इन्हां दा सरपंच जिहड़ा कि कहिंदा इह कोई गल तां बणदी नहीं दरखास्त दी, कहिंदा तुसीं आपस च राजीनामा कर लो, उहदा कहिणा इह सी खड़क बल्ले दे पिंड दे सरपंच दा कि इह एक राजी इह तुसीं की लिख के भेजता इहदा कोई मतलब नहीं बणदा। ते जदों असीं सारे फिर भी असीं जा के उत्थे राजीनामा कीता, इन्होंने राजीनामे दे विच लिखिया कि असीं कुड़ी दे नाल कोई कुटमार नहीं करांगे, जे असीं कुटमार करांगे तां साडे उपर कानूनी कार्रवाई की जाए। उस तों राजीनामे तों 3 दिनां बाद ही इन्हां ने जिहड़ी मेरी भैण है उहनूं रस्सी नाल लपेट के फांसी की सजा दी जाए, जिदा इन्होंने मेरी भैन फांसी से टंगिया, यदा प्यो देशराज, यदी माँ सुनीता, जिहड़ा इहदा इन्हां दा मुंडा हैगा जिहड़ा विक्की, जिहड़ा ब्रदर हैगा जिहड़ा मेरी सिस्टर का दियोर सीगा जिहदा नाम हैगा रोहित, इन्हों कड़ी तो कड़ी सज़ा दी जाए, जल्द तो जल्द दी जाए, तो इन्हों फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए है। चोर है खड़ा रहा रोड से, मैं कहते जाता क्यों नहीं, जाता क्यों नहीं, मैं कुड़ी अजी पर आ गया। तो फिर 8 दिन बाद फिर अभी पंचायत दिखा दी, पंचायत ने फैसला किया ऐतवार चलो अगे वास्ते नहीं करे, दो पंचायत साड़ी हजी पर भी आई देर भी इन्हों का सरपंच कहता तू दरखास्त क्यों देना, परिवार ने फैसला कर लै, मैं कहता की देना दरखास्त दरखूस का जे ए मतलब है, मैं कुड़ी मेरी है तेनों मतलब कि तेन दरखास्त दी तू अगे कार्रवाई कर। तुहानू कितना पता लगे भी तुहाडी कुड़ी दा सानू उत्थे किसे ने इधरों किसे ने फोन किया पता लगी हांजी की मंग करना चाहते मैं सानू इंसाफ चाहिए अं की मंग लैनी है आही तो इन्होंने 1.5 लाख रुपये मैं दिता प्लाट लिया जी मैं डैडी अं प्लाट भी देता हूँ कार मंगते कहते कार दौ ये करके कुड़ी ने तंग कर दे ही इन्हें मुंडा भी कोई पैसे मंग रहे थे दाज के पैसे कि मैं प्लाट लेना मैं 1.5 लाख रुपये 4 लाख की डिमांड रखी इन्हें तो मैं 1.5 लाख रुपये दिता।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ 304 ਦੀ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸੱਸ ਅਤੇ ਜੋਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।